हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड आवर। दोस्तों, अभी आपने प्रीवियस डेज में देखा होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पॉन्सर्ड आरआरबीज हैं, तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक ट्वीट करके कहा गया था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको ये टेम्पररी स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन बाद में आपने देखा कि जब आरआरबीज की कट ऑफ आई तो काफी हाई कट ऑफ थी और कुछ लोग जो है इस पेपर से वंचित रह गए। अल्टीमेटली बाद में उन्होंने ये कहा कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है, अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिज्यूम होगा। तो काफी सारे लोगों के मैंने ये मैसेज देखे, वो ये कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जो है ये आना चाहिए। इसी चीजों के बारे में मैंने भी आईबीपीएस को कॉल किया और मैंने उनसे ये कहा कि ये जो कट ऑफ वाला सीन था कि हाई कट ऑफ हो गई थी या फिर जो ये रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले विड्रॉ कर लिया बाद में इसको रिज्यूम कर दिया, तो इसके ऊपर आईबीपीएस क्या करेगा। तो उनका ये कहना था कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसको परेशानी है तो वो कंप्लीटली जो हमारा जो कंप्लेंट पोर्टल है इसके थ्रू अपनी कंप्लेंट आईबीपीएस में दर्ज करे। ओके, अब उनका कोई ऐसा सिंपल स्टेट नहीं है कि मतलब आगे इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, आगे कुछ होगा नहीं होगा। आपको पता होगा कि आरआरबी ऑफिसर स्केल के तो इंटरव्यू के जो कॉल लेटर है वो भी आउट हो चुके हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ है ये तो ऑब्वियसली गलत हुआ है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट था अगर वो इस पूरे सिस्टम से बाहर हो रहा है तो काफी हद तक ये चीज गलत है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने ट्वीट किया, आप जो आईबीपीएस का कंप्लेंट पोर्टल है उस पर आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि मतलब आईबीपीएस ऐसा है कि रिवाइज रिजल्ट निकालने वाला है। ओके, अभी ये चीजें बिल्कुल कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। आईबीपीएस धड़ाधड़ रिजल्ट और अपने इंटरव्यूज वगैरह करा रहा है क्योंकि उसको बहुत जल्दी आरआरबी का जो फाइनल लेटर होता है वो 1 अप्रैल से पहले पहले दोस्तों अनाउंस हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये फरवरी चल रहा है, मिड आने वाला है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली फरवरी मार्च में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो आप लोगों का यही काम है कि एटलीस्ट अपने ग्रीवेंस को इनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड करो और अपनी बातों को इनके साथ रखो। बाकी जो मैंने था मैंने भी अपने एंड से सारी चीज़ रखी, क्योंकि क्या है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर आप क्यों करा रहे हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो यार, जो बच्चों की चीज़ है ना वो एटलीस्ट जो टॉप अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़ है, इनके पास तक आनी चाहिए। मैं किसी चीज़ को रिज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को रोक नहीं रहा हूँ। आप लोग की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपको वो प्रॉब्लम होती तब भी मैं आपके साथ रहता, ठीक है। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीरियसली लगा है कि उन्होंने इतने अच्छे अटैम्प्ट किए फिर भी वो पेपर में 0.25 0.50 से बाहर हुए, तो वो रिवाइज रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली आईबीपीएस के ऊपर होगा कि वो इन चीज़ों को आगे ला रहा है नहीं ला रहा है। मेरा जो टेक था वो मैंने लिया, आप सभी के साथ था और हूँ, आगे भी रहूँगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा और आईबीपीएस के जो कंप्लेंट पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लो, अल्टीमेटली जो भी होगा वो आपको आगे अपडेट दे दिया जाएगा और अगले एग्जाम के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो भी होगा मैं आप सभी को बताता रहूंगा, ठीक है। तो आगे हम दोस्तों फिर मिलेंगे, और काफी लोग कह रहे थे कि सर आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैं थोड़ा सा किसी और भी वर्क में था, लेकिन ये जरूर है कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो मैं आप सभी के साथ एक बार में लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो भी विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। आगे हम फिर मिलेंगे, और भी एग्जाम्स हैं इनके ऊपर पूरा फोकस करो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।